समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के सभी सम्मानित नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, 2022 के चुनाव को देखा जाए तो यहाँ फतेहपुर सीकरी विधानसभा का मुकाबला है वो देखने दिखाने लायक दिख रहा है। और इस बार फतेहपुर सीकरी की जनता ने पूरी तरह मूड बना लिया है कि इस बार हम पूरी तरह बड़ा बदलाव कर रहे हैं और यहाँ हम बेटा चुन रहे हैं, वो बेटा ब्रजेश चाहर है। और अभी यहाँ मुझे जो कार्यक्रम हुआ है तो यहाँ अभी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी आए थे, तो यहाँ पर आपको हमने अभी भी दिखाया था यहाँ पर कितना जनसैलाब था। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद है सपा के जो कद्दावर नेता हैं लाल सिंह लोधी जी, उनसे बात करेंगे। लाल सिंह लोधी जी, पूरी तरह जनता ने मूड बना लिया है तो इस बार बदलाव आ रही पार? देखिए, जनता ने तो जिस दिन से समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का गठबंधन हुआ, उसी दिन से तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में बदलाव है। और बदलाव इस वजह से है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इन्होंने किसानों को धोखा दिया, महिलाओं के मान सम्मान की बात करते थे, महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा घटनाएं अगर हुई तो इसी सरकार में हुई, नौजवानों को इन्हें ठगने का काम किया, हर वर्ग के चाहे किसान हो, 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द किसानों को नहीं लिखा। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फतेहपुर सीकरी विधानसभा में भी इस बार समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनने जा रही है। योगी जी इशारा करके गए थे, मिनी छपरौली में भी हुआ था जो कार्यक्रम, तो वहाँ आए थे करावली में, यहाँ तो वहाँ इशारा करके फिर सरकार ला रहे हैं, फिर बुलडोजर चलवाएंगे, तो ये इशारा क्या है? देखिए, योगी जी क्या कहते हैं, पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है, कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े जो इनके नेता थे उनको इन्होंने बचाव किया, वहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चला? मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी पिंकी लोधी जो है, बेटी है, बुलंदशहर में अभी जघन्य अपराध हुआ हथरस की तरह, वहाँ 3 दिन पहले उस बेटी को बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दिया थी गोली मार के, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस बार केवल और केवल अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की लहर चल रही है। तो इस बार फतेहपुर सीकरी में भी बदलाव है पूरी तरह? देखिए, यहाँ फतेहपुर सीकरी में चाहे कुशवा हो, चाहे लोधी हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे आपका ब्राह्मण समाज हो, हर समाज का समर्थन भाई ब्रजेश चाहर जी को मिल रहा है, एक तरफा जीत है यहाँ। देखिए, यहाँ जहाँ हमने बातचीत की कि यहाँ लाल सिंह लोधी जी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ इस बार फतेहपुर सीकरी में पूरी तरह जनता बदलाव करने जा रही है और एक बड़ा बदलाव फतेहपुर सीकरी में होने जा रहा है। अभी हम दिखा दें कि यहाँ एक ग्राउंड में हम खड़े हैं, तो यहाँ आपको अभी हमने सब पहले भी दिखाया था कि यहाँ पर किस तरह जनसैलाब जनता का देखने को मिला है, और यहाँ पर हर युवा के नाम पर, हर युवा के युवा पर बस एक ही नाम है कि इस बार बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। फतेहपुर सीकरी विधानसभा पर ब्रजेश चाहर को हम पूरी तरह पूरे बहुमत से लेकर आ रहे हैं। अपने सहयोगी आमिन अली के साथ संवाददाता विवेक डोगरा, प्राइम टीवी न्यूज़, आगरा।